वेल तो दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो एक बार फिर से आपका भाई एक नई वीडियो के साथ हाजिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ चुन्नी चाटी वाले और ढोंगी बाबाओं के बारे में जो ऐसे खौफनाक नकाब के पीछे हैं, जिन्हें अगर सादा लोग देख लें तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा हो। तो यार इस वीडियो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन फ्रॉड लोगों को आपके सामने लाना है जो न सिर्फ लोगों के पैसे बल्कि इज्जत भी बड़े शौक से लूटते हैं। तो आओ यार देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की ये ब्रांड न्यू वीडियो। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे चुन्नी चाटी वाले बाबा की। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाबा जी किस तरह से इस लड़की का इलाज कर रहे हैं। अब इन बाबाओं के जाल में ज्यादातर लड़कियां ही आती हैं। अब ये लड़की औलाद की चाहत में यहाँ तक पहुंच गई और ये हराम खोर बाबा इस औरत को औलाद देने का ट्रीटमेंट बराबर कर रहा है। और हराम पाने की हद तो तब होती है जब इसके घर वाले इसके सामने ही बैठे होते हैं और इनके घर वालों के सामने ही बाबा जी घंटे का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है इमरान हाशमी भी इसी बाबा जी से ट्यूशन लेता है। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियो में और मिलवाते हैं आपको जप्पी वाले बाबा से। ये बाबा भी जप्पी लगाने के बाद औलाद देते हैं, मतलब यार लोगों के दिमाग में भी गोबर भरा हुआ है। अब इस बाबा के चेहरे की खुशी बता रही है कि बाबा की रंगीनी चरम सीमा पे है। अब इस बाबा का रिकॉर्ड ये है कि ये दिन में 200-300 लड़कियों को औलाद तो दे ही देता है। और इससे भी हैरत की बात यह है कि साथ मुरीदों का डांस भी जारी है। इन पीर साहब की भी वही खासियत है कि ये सिर्फ औरतों को ही जप्पी डालते हैं, मर्दों को नहीं। कहा यहाँ पर मैं होता तो इसकी खोपड़ी तोड़ देता। लेकिन भाई साहब बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। ये बाबा जी तो औलाद देने का पूरा प्रोसेस करते हैं, मतलब थोड़ी देर के बाद इस बाबा जी के साथ डांस भी करनी पड़ती है, मतलब तब जाकर ये ट्रीटमेंट पूरा होता है। मतलब इन पीर साहब को इस लड़की की विदाई बर्दाश्त नहीं होती, ये फिर से इसको गले लगा लेता है। अब मिलवाते हैं आपको इमरान हाशमी बाबा से। अब इस बाबा का भी अलग ही स्वैग है, मतलब यार ये चाचा भी औलाद देने की दुकान खोल के बैठा है। और इस बाबा की सबसे खास बात ये है कि ये लड़कियों की ट्रीटमेंट अलग कमरे में करता है, मतलब बाकी की तरह खुले में नहीं। तो चलो यार चलते हैं अगली वीडियो में और आपको मिलवाते हैं सख्ती से नाचने वाले बाबा से। ये बाबा अपने मुरीदों को सख्ती से नाचने का फरमान जारी कर चुके हैं। यार वैसे ये बाबा ना मेरा पर्सनल फेवरेट बाबा है। बाबा जी ना हुकुम है यार तो माल नहीं पौधा बड़ा बहन चोर है। बाबा जी ना हुकुम है यार तो माल नहीं पौधा बड़ा बहन चोर है। यार अब सीरियस बात करते हैं। अब ये वीडियो जहालत की वो तस्वीर है जो मुआशरे को शिर की दलदल में सरेआम धकेलती जा रही है। अब यार ये बाबा तो बहुत ही गलत जा रहा है। अब इन जाहिल लोगों को कौन बताए कि सजदा सिर्फ अल्लाह को जायज है। ऐसे सजदा करवाने वाले जाहिल पीरों को सरेआम फांसी होनी चाहिए। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। दो में याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय।